रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस युवक को मां काली का रूप रखना पड़ा भारी, चाकू और पत्थरों से मारकर ले ली जान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मृतक का रहन सहन पसंद नहीं था। दिल्ली पुलिस ने 22 मई को हुई एक कत्ल की वारदात का खुलासा कर दिया है। राजू राज, नई दिल्ली ने 22 मई को हुई एक कत्ल की वारदात का खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में 7 लोगों ने 21 साल के लड़के की कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। जानकारी के मुताबिक कत्ल का मुख्य आरोपी नवीन देशबंधु कॉलेज का बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मृतक का रहन सहन पसंद नहीं था, इसलिए अंजाम दी गई कत्ल की वारदात। आपको बता दें कि 22 मई देर रात की है। कत्ल की इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि मृतक किन्नरों के साथ दोस्ती रखता था और माता दुर्गा का भक्त था और काली माता और महिलाओं की वेशभूषा रखने का शौकीन था। काली माता की वेशभूषा में ही मृतक को मंदिर के आसपास कुछ पैसा या जरूरी सामान गुजारा भत्ता के लिए मिल जाता था। जिस दिन कालूराम का कत्ल हुआ उस दिन भी वे माता की वेशभूषा में था। किन्नरों ने की थी बीच बचाव की कोशिश। ऊपर तस्वीर में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 4 आरोपी हैं जिन्होंने अपने 3 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर एक 22 साल के कालूराम नाम के शख्स की चाकुओं से गोद कर और पत्थरों से हमला कर जान ले ली। कत्ल की वजह था कालूराम का किन्नरों के साथ घूमना फिरना और महिलाओं के जैसी वेशभूषा रखना। हमले के वक्त किन्नरों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन तब तक सभी आरोपी मौके से भाग गए। मंदिर की धर्मशाला में अकेला रहता था कालूराम। पुलिस के मुताबिक कालूराम कालकाजी मंदिर की धर्मशाला में अकेला रहता था और माता दुर्गा का भक्त था। वह महिलाओं की तरह वेशभूषा रखता था। 22 मई को उखला इलाके में रिंग रोड पर कालूराम महिलाओं की जैसी वेशभूषा में जा रहा था, तभी वहां से बाइक पर गुजर रहे करीब 7 लड़कों से टकरा गया, जिसके बाद नशे में चूर उन लड़कों ने चाकुओं से गोद कर और पत्थरों से कुचल कर कालूराम की हत्या कर दी। हत्या का मास्टरमाइंड था देशबंधु कॉलेज का बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र नवीन कुमार। वहीं इसके बाकी साथी अमन कुमार, मोहित कुमार और सज्जन कुमार भी हत्या में शामिल थे। सभी आरोपी गोविंदपुरी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने अपनी के बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया है।